अभी तो बहुत है। पापा सबसे बड़ी वाली उधर है। सो डियर व्यूवर्स, गुड इवनिंग। ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी फ्रूट जो है काफ़ी ज़्यादा इस बार प्रोडक्शन हुई। अगर हम देखें जे एंड के लेवल पे भी कश्मीर में खासकर बहुत ज़्यादा इस बार प्रोडक्शन हुई है। हमारे यहाँ पे भी थोड़ा सा हमने एक छोटा सा एस्टेब्लिश किया था एक गार्डन की फॉर्म में, इसको पिछले साल लगाया था। इस बार काफ़ी ज़्यादा प्लांट ने वेजिटेटिवली प्रोपागेट भी किया, हालांकि इट इज़ बेसिकली ए टाइप ऑफ सब एरियल स्टेम। इसका जो प्लांट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फैलता है मिंट की तरह, पुदीना आपने देखा होगा। तो इस बार चूँकि जो इसमें जो टेम्परेचर था पहले से ही हाई था मार्च के महीने में ही, तो फ्रूट को राइप होने में बहुत कम टाइम लगा। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है इसकी। ये फ्रूट बहुत ही एक डिलीशियस फ्रूट माना जाता है, बच्चे इसको काफ़ी पसंद करते हैं। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रॉबेरी इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय अमेरिका एंड रशिया। और इंडिया में भी इसकी प्रोडक्शन अभी स्टार्ट हुई है, हालांकि अभी वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं है। ये बेसिकली जो फ्रूट है इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, विटामिंस, एंटीऑक्सीडेंट्स। इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द बॉडी। इट आल्सो हेल्प टू रिड्यूस द फैट लेवल ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी एज वेल। तो इस फ्रूट को आप इस्तेमाल करें, बहुत ही बढ़िया है, ऑर्गेनिक फ्रूट है। बेसिकली हमने कोई फर्टिलाइज़र इसमें इस्तेमाल नहीं किया है। मेंटेनेंस इस प्लांट की बहुत कम है, यानी कि इस प्लांट को एक बार आप लगा दीजिए, फिर थोड़ा सा वीड्स का आप ख्याल रखें। थोड़ा वीड्स को आपने इसका जो गार्डन आप एस्टेब्लिश करेंगे वहाँ पर आपने वीड्स को ग्रो होने नहीं देना है, बल्कि आपने टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा सा वीड्स को बाहर निकालिए और थोड़ा सा काउडंग का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद देखें आप प्रोडक्शन इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली स्ट्रॉबेरी है जिसको बोटेनिकली हम फ्रगेरिया भी कहते हैं। इसको आप लगाएं अपने बैकयार्ड में इस प्लांट को। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जो किश्तवाड़ में भी एक डिपार्टमेंट है इसका, उसके साथ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट आप करें तो वो डिपार्टमेंट के लोग आपको प्रोवाइड करवा देंगे इस प्लांट को। थैंक यू।